Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bruce. Happy birthday. Okay. Mm-hmm. Sip, sip, sip. Birthday party, biryani. लेकिन अभी इसमें और भी वेट बचा हुआ है, सो मैं इसमें और भी सामान डालूंगी। हम लोग ने पैसा दिया था, एक्स्ट्रा लगेज का पैसा दिया हमने, और हमारा लगेज यहाँ बीच में छुपा के रखते हैं दोस्तों। आज ये तो ऐसे कहानी का घर वाली यार। मेरे से चाकू। हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to you, happy birthday dear Puri, happy birthday to you. पहले ये दिख नहीं रहा है, लाइट मत लाइट ओ तुम लोग को आओ पूरा खा लो, कल कोविड टेस्ट करना खाओ, पूरा खा लो, पूरा पूरा रख, पूरा रख। हां हैप्पी हिमांशु, अपने आप को फ्लैश मार दे। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब आ गया, कोई बिना फ्लैश भी हो जाता ना मेरे में। आप आपके दूरभाष यंत्र का नया कपड़ा है, एकदम एकदम जबरदस्त कपड़ा है वो, जबरदस्त एकदम, जल्दी ला के दिखा, जबरदस्त कपड़ा। ओ भाई वाओ यार, इसमें भी बन रहा था वीडियो। यस यस अंकुर वो लाया अपना। थैंक यू। हाँ बच्चों, कोविड टेस्ट करवाएं सुबह सुबह 7 बजे। गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं 7:30 और मैं अभी जस्ट कोविड टेस्ट करवा के आई हूँ। मेरा बर्थडे आज सबसे पहले कोविड टेस्ट से ही स्टार्ट हुआ है, सो मैं अभी कोविड टेस्ट करवा के आई हूँ और अभी मैं यहाँ मैनीक्योर सेंटर के सामने खड़ी हूँ। मेरा कल का अपॉइंटमेंट था, बट मुझे जो मैनीक्योर चाहिए था, मुझे एक्सटेंशन चाहिए था, तो उसने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है। सो जैसे तैसे करके मुझे आज का डेट मिला सुबह 8 बजे। सो अभी मैं यहीं बैठी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ, अभी मैनीक्योर करवाऊँगी मैं अपना। मेरे बर्थडे के उपलक्ष्य में बन रहा है बिरयानी, चिकन बिरयानी। यहाँ पर भी चावल चढ़ा हुआ है, थोड़ा मिस्ट। एक नंबर हॉस्टल के किचन में बना रहे हैं हम, और यहाँ पे पनीर बन रहा है, वेज वाले लोग के लिए पनीर बन रहा है, हमारा चिकन बन रहा है। एकदम जो हाई टेम्परेचर पे डालेंगे ना वो क्रंची बनता है। वही घी, अमूल घी। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। सिम लेयर कम है ना, ग्रेवी कम ही रखना। नहीं ग्रेवी देखो, ग्रेवी जो बचेगा ना उसको हम क्या करेंगे कि उसको ना थोड़ा सा निकाल देंगे, तो ग्रेवी जैसे होटल में मिलता है ग्रेवी अलग, रायता अलग। yes. तुमको ग्रेवी डालना है तो तुम ग्रेवी डाल सकते हो, है ना।
सिर्फ साइड डिश हो जाएगा। हाँ। केवड़ा कलर केसर है ये, दिस इज केवड़ा, केवड़ा डाल। कैसे डालते हैं इसको मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने यूज नहीं किया। ऐसे स्प्रिंकल करना है। ओके, तीन ढक्कन, तीन ढक्कन। हां, मतलब अभी और डालना है। जी हाँ, अभी और डालेगा। डालो, स्टार्ट। बर्थडे पार्टी बिरयानी। दिस इज रेड कलर, दिस इज येलो कलर। That is green. Green color. Yes. Yes. So, yes. तो ग्रेवी पसंद है। हम यूज करेंगे। जी वो करी के साथ। Yes. Yes. बहुत सुंदर भाई। उसको दिखा पहले। चल। मैं नहीं। अंकुर, फिर से। हाँ जी। Start. Queen. So guys, देखो ये complete हो चुका है हमारा बिरयानी। और अब हम खाएंगे इसको, डालेंगे फॉर 10 मिनट्स, रखेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद वी विल ईट बिरयानी। अभी 10 मिनट के लिए पकने जाएगा सब। पूरी का बर्थडे है। यस, चीयर्स करेंगे। सो गाइज, इट इज़ द नेक्स्ट डे। सो एज़ यू कैन सी, यहाँ मैं पूरे अपने कपड़े रखी हूँ। ये मेरे सब पुराने कपड़े हैं, इसको आज हम देने जा रहे हैं सेकेंड हैंड शॉप में। अगर किसी को भी कपड़े या कुछ जो तुम्हारे पुराने हैं किसी को देना है, सो यू कैन गो टू सेकेंड हैंड शॉप। यहाँ पे बहुत सारे सेकेंड हैंड शॉप होते हैं जहाँ पे कपड़े तुम जो तुम्हारे पुराने हैं वो तुम दे सकते हो, क्योंकि हम अब इंडिया जा रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे पुराने कपड़े, तो हमने सोचा कि किसी के काम आ जाए और यहाँ पर बहुत सारे सेकेंड हैंड शॉप होते, तो हम वहाँ देने जा रहे हैं। सो हमारी आज की दिन की शुरुआत यहीं से हो रही है। सो या लेट्स गो। मैं लास्ट टाइम गाइज नागौर का, बाय बाय। सो गाइज, आज लास्ट दिन है हमारा डेनिपर में। आज रात को बस है हमारी, कल फ्लाइट है। और यार बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। ये सब चीज़ जो पीछे है सब, ये लास्ट बार देख रहे हैं। अब पता नहीं कब आना हो यहाँ। मैंने अभी बहुत सारी शॉपिंग की है मम्मी और मेरी बहन के लिए, मेजरली मम्मी के लिए। उनको यहाँ की चॉकलेट और यहाँ का परफ्यूम बहुत पसंद है, सो मैं ये लेके जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ घर जाके। अभी और भी बहुत कुछ काम है मुझे, न्यू प्लाज़ा जाना है, वहाँ से आज कुछ खाने का सामान लूँगी, क्योंकि हमारी जो बस है वो रात को
11:30 बजे है, सो कल हम सबेरे पहुंच जाएंगे और हमारी फ्लाइट दूसरे दिन 7 बजे शाम को है। तो खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी, सो मुझे बनाना है, उसके लिए मैं सामान लेने जाऊंगी अभी वहाँ। आज सोचे थे कोई काम नहीं करेंगे, बट कल कोई काम नहीं हुआ बिकॉज ऑफ माई बर्थडे, सो आज मैंने सोचा कि आज पूरा काम कर लिया जाए। अभी मैं कपड़ा दे के आई जो मैंने आपको कपड़े दिखाए थे। सो गाइज, वहाँ पर वो लेते भी हैं, मतलब ख़रीदते भी हैं। सो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि एटलीस्ट 2 महीने पहले से अगर आपको कोई कपड़ा नहीं पहनना है या आपको वो देना है, सो आप वहाँ पर जाके सेल कर सकते हो 2 महीने पहले से। और अगर 2 महीने के बाद अगर तुम 1 दिन पहले 2 दिन पहले गए तो उन लोग ख़रीदते नहीं हैं। सो एज़ अ गिफ्ट आप उनको दे दीजिए कि रख लो, क्योंकि अब मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े थे और मैं उसको पहनने वाली थी नहीं, मुझे कैसे भी मतलब ले जाना ही नहीं था, फेंकाता, इससे अच्छा मैंने दे दिया, किसी काम आ जाएगा। गाइज, मेरा 2 चिकन बर्गर और मोहितो आ गया है, बहुत भूख लगी थी, चलो खाते हैं अब। बाय बाय नियो प्लाजा। सो गाइस, फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ। और या मैं क्विकली मेंशन करना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच टू माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, और जिन्होंने भी मुझे कल बर्थडे विश किया, उन सबको थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन हुआ मेरा बर्थडे यहाँ, सेकंड बर्थडे था मेरा यहाँ पे जो मैंने यूक्रेन में मनाया, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज, मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ आपको, आप सबको। और या ऐसे ही मेरे साथ हमेशा रहिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, और ऐसे ही जो बड़े हैं मेरे से वो अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखे ताकि मैं हमेशा ऐसे आगे बढ़ते रहूं। सो या गाइज, अब मैं थोड़ी बहुत जो मेरी पैकिंग बची है उसको मैं करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अभी क्या क्या लेके आई। सो गाइज, ये एक पूरा पैकेट है, ये वारूस का पैकेट है, इसके अंदर ही मैंने हर चीज़ रख दिया है। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या लेके आई हूँ मैं। फर्स्ट है वो ये चीज़ है, ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है गाइज, स्पेशली फॉर गर्ल्स बिकॉज इट इज़ अ वैक्सीन मशीन। और मेरी फ्रेंड ने मुझे ये रिकमेंड किया, मुझे ये बहुत पसंद आया। ये जो मशीन है ना वो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, इसमें जो है वो इस टाइप की जो वैक्स है वो इसके अंदर जाती है, ये मशीन के अंदर, और इसके बाद आप इसे हीट कर सकते हैं और हीट करके ये रोल रहता है, उससे रोल करके आप सीधे स्ट्रिप से निकाल सकते हैं। जो ये 2 पैकेट रफेलो की मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, सो ये लास्ट टाइम है, इंडिया में भी मिलती है बट यहाँ से मैं हमेशा लेके जाती हूँ, सो मैंने सोचा कि ये लेके जाऊँगी, सो मम्मी को बहुत पसंद आती, तो ये 2 पैकेट है, ये 2 पैकेट लेके जा रही हूँ मैं। इसके बाद गाइज, मैंने एक अपने फ़ोन के लिए केस लिया हुआ है, क्योंकि मेरा जो करंट केस था, मैंने जो जब मैं अपना फ़ोन ली थी तो उस टाइम मैंने ट्रांसपेरेंट केस ही लिया हुआ था, और वो केस इतना गंदा हो चुका है कि मैं क्या बताऊँ, पूरा येलो हो चुका है, बिकॉज हम इंडियंस यार हल्दी से बहुत ज़्यादा काम करते हैं और गंदा तो हो नहीं है। सो मैंने ये एक सिलिकॉन केस लिया अपने फ़ोन के लिए ताकि थोड़ा न्यू दिखे, तो ये केस लिया एक मैंने। और लास्टली
ये DNP से मैंने परफ्यूम लिया, ये भी मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, मेरे पापा को भी बहुत पसंद था, क्योंकि मैंने 2 साल पहले जब मैं गई थी लास्ट टाइम तो मैं लेके गई थी DNP के परफ्यूम और बहुत पसंद आया था। सो मेरी माँ ने ये परफ्यूम मंगाया था तो मैं एक परफ्यूम लेके जा रही हूँ उनके लिए। और क्या लेके आई हूँ मैं, बस यही चीज़ है और खाना वाना बनाने का सामान है जो मैं बनाऊंगी आज। मैंने सोचा है कि मैं लेमन राइस बनाऊं, वो ट्रैवलिंग के लिए बहुत सही रहता है और ख़राब भी नहीं होता। सो कल तक मुझे खाना चलाना है, सो मैं लेमन राइस बनाऊंगी। और अब ये सब चीज़ जो है और मेरी कुछ और चीज़ें हैं वो सबको मैं पैक करती हूँ, उसके बाद मुझे शाम को फिर निकलना है बाहर एक बार। सो गाइस, एज यू कैन सी, ये मैंने एक बार पैक कर लिया था अपना जो पूरा सामान है, लेकिन अभी इसमें और भी वेट बचा हुआ है, सो मैं इसमें और भी सामान डालूंगी। इसमें मेरे पूरे कपड़े ही हैं और कुछ नहीं है, सो इसमें अभी और भी वेट है, सो मैं इसमें अभी और सामान डालूंगी। गाइस, सो फाइनली आई एम रेडी, एज यू कैन सी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं 9 और एज यू कैन सी गाइस पूरा रूम तहस नहस पड़ा है। ये मेरे 2 लगेज है, ये मेरा एक और लगेज है, इतने फुल हो चुके हैं ये कि मैं क्या बताऊँ, इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। दिस इज़ माई हैंड बैग, ये मुझे मैं सोच रही हूँ लेके जाऊँ ना लेके जाऊँ, लेट्स सी। और ये है मेरा खाने का सामान फॉर ट्रैवलिंग, वो है मेरा कैमरा और यहाँ से कुछ नहीं लगा, पानी बॉटल हो गया और मैंने बनाया है खाना, ये देख लो जितने भी तलने की सामान थी जितना भी हो पाया मैं। और इसमें मैं अभी चावल डालूंगी, मैंने बनाया है लेमन राइस, ये जो मैं अभी खाने वाली हूँ, मैं खाऊंगी भी और पैक भी करूंगी फॉर टुमारो। और या गाइस, फाइनली मैं अपना रूम छोड़ रही हूँ, देखो बिल्कुल भी पूरा हर चीज़ मैंने यहाँ से निकाल लिया, ये पूरी खाली हो गई। यहाँ पर बस बेडशीट है जो कि नहीं आ पाया मेरे लगेज में, सो बेडशीट है बस और कुछ नहीं, पूरा चीज़ अब खाली होने वाला है। एज यू कैन सी यहाँ पर अब फोटोज़ भी नहीं है। गाइस फाइनली अब जाने का टाइम आ गया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं ये रूम छोड़ते ना रो दूँगी, मुझे इतना मतलब अजीब टाइप का फीलिंग हो रहा है। अपना 6 साल हमने यहाँ बिताया और फाइनली हम यहाँ पर अपना 6 साल कंप्लीट करके जा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी फ्रेंड्स बने, जितने भी टीचर्स जो भी थे जिन्होंने भी साथ दिया, सीनियर्स जूनियर्स सबको थैंक यू, अगर मेरी वीडियो सब देखते हैं सो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मेरी इन 6 ईयर्स में जिन लोगों ने भी हेल्प की मेरी, उन सबको थैंक यू सो मच। आई एम ऑलरेडी, ये है मेरा रूम जो मैं छोड़ के जा रही हूँ, फीलिंग वेरी सैड। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अब तो वग्जाल बस स्टेशन, यहाँ का, यहाँ देखो सबका बैग, सब जाने के लिए रेडी। सो गाइज, ये हम बैठ गए बस में और ये है हमारा लगेज, जितना भी दिख रहा है ये हमारा लगेज है, ये हमारा लगेज है, ठीक है।
कुछ बोलना चाहोगे? ये जो है ना ब्लॉग में आना चाहिए, बता। देखो हम लोग ने पैसा दिया था, एक्स्ट्रा लगेज का पैसा दिया हमने, और हमारा लगेज यहाँ बीच में, और जिन लोग ने पैसे नहीं दिए, जिन लोग ने ऑन द स्पॉट पैसा दिया, उनका लगेज अंदर, और हमको बोला गया कि नहीं तुम्हारा लगेज नहीं जा सकता, और अब हम यहाँ पर रखे तो जितने भी पैसेंजर होंगे, सी बात है कि पैसेंजर लोग को तकलीफ होगी, लेकिन हम क्या करें, हमारी गलती थोड़ी ना ये चीज। सो एवरीबडी, फाइनली वी आर इन एयरपोर्ट। इतना सारा लगेज है यार, ये है कीव का बोरिसपिल एयरपोर्ट, बहुत लाइन, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़।